घूमने गए थे तो वहाँ पे बहुत कचरा वगैरह फैला हुआ था, तो वहाँ की सुंदरता महसूस करते तो उसको साफ भी रखना बहुत जरूरी है। और हम ये सोचते हैं कि ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो कचरा सेफ आप अपने साथ वापस लेकर आए ताकि हम अपने एनवायरमेंट और अपने देश के प्रति कुछ अच्छा कर पाए। वो सर्टिफिकेट है जो मुझे आज लंदन से रिसीव हुआ है, ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैंने विश्व भर में हमारे भारतीय हिमालय जो रेंजेस है उसको प्रमोट किया है। भारत का दिल यानी मध्य प्रदेश अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है और हर साल हजारों पर्यटक मध्य प्रदेश की खूबसूरती को निहारने के लिए भी आते हैं। मध्य प्रदेश के जैसे ही मध्य प्रदेश के युवा भी खूबसूरत हैं और इन युवाओं के जो इरादे हैं वो भी बुलंद हैं, हौसले बुलंद हैं, क्योंकि यहाँ का मतलब मध्य प्रदेश का नौजवान जो करने की ठान लेता है उसे पूरा करके ही रहता है। तो आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के तामिया की, जो कि मध्य प्रदेश का मिनी पचमढ़ी के रूप में जाना जाता है। और तामिया के पास ही है एक टूरिस्ट लोकेशन पातालकोट, जो कि अपनी एडवेंचरस जो एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम बात मध्य प्रदेश की खूबसूरती की भी नहीं करेंगे, यहाँ की लोकेशंस की भी नहीं करेंगे, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के तामिया की माटी में पली बड़ी भावना डहेरिया की। आखिरकार भावना ने ऐसा क्या किया जिसके बाद उनका नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि रिकॉर्ड में भावना डहेरिया का नाम दर्ज हुआ लेकिन जो रोशन हुआ वो मध्य प्रदेश का नाम हुआ। तो क्यों और ऐसा क्या किया इसका जवाब खुद भावना ही देंगी। ये वो सर्टिफिकेट है जो मुझे आज लंदन से रिसीव हुआ है, ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैंने विश्व भर में हमारे भारतीय हिमालय जो रेंजेस है उसको प्रमोट किया है। पर्वतारोही मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि पहले आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दीजिए, मैं दूंगा तो शायद उतने तरीके से ना दे पाऊँ। मेरा नाम भावना डहेरिया है और मैं एक छोटे से सुंदर से गांव तामिया से हूँ जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। मैं पर्वतारोही हूँ और ये एक बहुत छोटे जब हम स्कूल टाइम में थे मैंने 7th क्लास में बुक में पढ़ा कि हमारे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है और उसमें अगर चढ़ने के लिए जो लोग जाते हैं उनको पर्वतारोही बोलते हैं। तो तब मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि क्यों ना पर्वतारोही बनना चाहिए। होली और दिवाली के गजब से संयोग है आपके साथ, दोनों ही दिन आपको कुछ ना कुछ बड़ा अचीव हुआ है, आपका हाल ही में नाम भी दर्ज हुआ गिनीज बुक में। हाँ, होली और दिवाली का मैं पहले बताऊंगी कि जब मैंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया 2019 में, 22 मई मेरी डेट थी जिस दिन मैंने सबमिट किया, वो तो एक अलग ही सिनेरियो था। और क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बचपन से मैं एवरेस्ट के लिए ही तैयारी कर रही थी कि मेरे को एक दिन माउंट एवरेस्ट जाना है, तो मैंने उसके लिए पहले कोर्सेस किए, पहले बेसिक माउंटेनिंग, एडवांस माउंटेनिंग, फिर मैं माउंटेनियर बनी, फिर उसके बाद मैंने गढ़वाल हिमालय में क्लाइम किया, हिमाचल हिमालय में वहाँ की पीक क्लाइम करी, फिर उसके बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया मतलब एवरेस्ट के लिए, क्योंकि उसमें जो
एक्सपेंडिचर लगना था वो 15 लाख का था और मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उस टाइम पे मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि 25 लाख मैंने मतलब अपनी लाइफ में तो कभी देखे ही नहीं थे, मतलब 25,000 ही मेरे लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ये अरेंज करना है और जाना, क्योंकि उससे पहले नहीं पता था कि इतना टफ ये टास्क होगा। बट 4 साल मुझे ये स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करने के लिए लगे और फिर जब 2019 में मुझे गवर्नमेंट के साइड से सपोर्ट मिला और मैं माउंट एवरेस्ट जा पाई, और ये तो एक ड्रीम मेरा कंप्लीट हुआ कि मध्य प्रदेश को उस हाइट पे लेके जाना है, और एक भी फीमेल ने ऐसा काम नहीं किया था। तो मुझे एक और मतलब ये था कि नहीं, अगर मैं ये करूँगी तो बहुत सारी फीमेल्स को ये लगेगा कि नहीं, मतलब उनको बढ़ावा मिलेगा। और फिर दिवाली और होली की जो बात है, आफ्टर एवरेस्ट मैंने डिसाइड किया कि मैं जो हमारे 7 कॉन्टिनेंट है उसकी हाईएस्ट पीक है, सबकी इंडिविजुअल एक हाईएस्ट पीक है, जैसे एशिया के हमारे एवरेस्ट हो गए, वो वर्ल्ड की भी है प्लस एशिया की भी है। तो फिर मैंने किलिमंजारो क्लाइम किया जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है, ये मैंने दिवाली के दिन सबमिट किया। और हमारे कल्चर को जो, क्योंकि हमारे अभी जैसे दिवाली आने वाली है तो उस टाइम पे अक्टूबर में थी, और मेरा था कि कैसे मैं एक मैसेज पास ऑन करूं, तो हमारे जो विश्व मतलब भारतवर्ष का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल दिवाली होता है, वो मैंने उसकी हाईएस्ट पीक पे सेलिब्रेट किया। हम लोग त्यौहार होली भी है। हाँ, होली मैंने मार्च में ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक को क्लाइम किया था, उसका नाम कॉजियस को है, और वो सबसे इंटरेस्टिंग ये था क्योंकि होली बहुत लोग वहां, मैंने फॉरेन में मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो जब मैंने वहां पर कलर या गुलाल, जो हमारी टीम थी उसके मैं कलर लेके गई थी, तो वो मैंने जब वहां पर उड़ाया या हमने एक दूसरे को लगाया तो काफी लोग इंटरेस्टेड हुए, और उन्होंने भी पार्टी मतलब वहां के लोगों ने, ऑस्ट्रेलियन ने भी मतलब पार्टिसिपेट किया। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद भूल नहीं बताना, वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सारी चीजें पास्ट की थी, प्रेजेंट में आपका नाम रिकॉर्ड्स में आया है और इसमें भारत का नाम रोशन किया आपने। ये रिकॉर्ड के बारे में बताना चाहूंगी क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था अभी, कोविड के कारण सब हम लोग जूझ रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी एक्सपेडिशन में नहीं जा सकते थे, तो एक संस्था है माउंटेन ऑफ इंडिया, मतलब उस ट्रांसेंड एडवेंचर कंपनी और लिपेड एडवेंचर कंपनी, इनके साथ मिलकर हमने पूरे विश्व भर में हमारे जो हिमालय रेंज है, इंडियन हिमालय रेंज, उसको वर्ल्ड में प्रमोट किया। और उसके लिए प्रमोट करने के लिए हमने एक डे डिसाइड किया, जैसे कि 15 अगस्त के दिन, जो अभी 2020 का जो 15 अगस्त का है, उस दिन हमने एक घंटे के अंदर माउंटेन ऑफ इंडिया फेसबुक पेज पर हमारे जो हिमालय श्रृंखला है उसमें खींचा हुआ विद इक्विपमेंट फोटो उसमें अपलोड करना था, तो पूरे वर्ल्ड से उसमें पार्टिसिपेट किया माउंटेनियर्स ने, जिसमें से सिर्फ 995 ही सिलेक्ट हुए जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ, तो उसमें से एक मैं भी हूँ। तो अभी क्या सोचा है आपने, सपने तो पूरे धीमे धीमे कर ही नहीं, मैंने पढ़ा था आपके बारे में कि आप एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं क्योंकि एमपी में लोग कम जानते हैं क्लाइंबिंग के बारे में। हाँ, क्योंकि जैसे अभी हम बात करें माउंटेनिंग की, तो जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ तो सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ होता है, या जहाँ पर इंस्टीट्यूट है वहाँ के लोग जानते हैं। जैसे अब अगर हम ही बात करें विजेंद्र पाल मैम ने कब 84 में सबमिट किया था एवरेस्ट, और उसके बाद अब इतने साल बाद मतलब मध्य प्रदेश का नंबर आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफी माउंटेनिंग में उसको बहुत सारे हैं माउंटेनिंग में, जैसे आप सेल्फ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, आप किसी एडवेंचर कंपनी ओपन कर सकते हैं, आप इतने सारे इंस्टीट्यूट है वहां पर एज ए इंस्ट्रक्टर जा सकते हैं। तो मेरा ये मन था कि मैं इस फील्ड में और भी लोगों को जोड़ूं और एक ट्रेनिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट यहाँ पर मैं ओपन करूँ जिसमें मैं माउंटेनिंग के बारे में लोगों को मतलब बता सकूँ, और उसमें और जो है स्टूडेंट आए और अपना मतलब जिनको इंटरेस्ट है, क्योंकि काफी स्कोप है उसमें और अचीवमेंट काफी अच्छा होता है। हम लोगों ने एवरेस्ट प्लान नहीं किया लेकिन एवरेस्ट पर मूवी जरूर देखी है, तो जो बालकनी की बात की जाती है कि एवरेस्ट पर एक बालकनी है, शायद दुनिया वहां से बड़ी खूबसूरत लगती है, तो वो दृश्य कैसा था? दुनिया बड़ी खूबसूरत जरूर लगती है, वहां से सारे माउंटेन्स दिखाई देते, मतलब पूरी जो हिमालय रेंज है वहां की वो सब दिखाई देती, लेकिन जहां मतलब जो जिस जगह की आप बालकनी की बात करें, बालकनी
तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जब हम कैंप 4 से निकलते हैं तो पूरा स्टीफ चढ़ाई है, आप कहीं रुक नहीं सकते, लेकिन बालकनी एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप थोड़ा रुक सकते हो, आप किसी अगर किसी को आगे जाना है तो वो आगे चेंज कर सकता है, नहीं तो उससे पहले सब एक ही रूप में बंधे होते हैं तो वहाँ पर बहुत मुश्किल। बालकनी से व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन हिलेरी स्टेप है एक जगह, हिलेरी स्टेप हॉरिबल है जहाँ से एक्चुअल में व्यू दिखता है, और बालकनी एक ऐसी जगह जहाँ से एक साइड का व्यू दिखता है और हिलेरी स्टेप में दोनों साइड का व्यू होता है और दोनों साइड खाई होती है, व्यू बहुत अच्छा होता है, लेकिन सबसे हॉरिबल थिंग होती है क्योंकि वो बहुत छोटे स्टेप वहाँ पर लेने पड़ते हैं, और अगर राइट साइड जाए तो राइट साइड भी फॉल हो सकता है लेफ्ट साइड, तो एक मतलब छोटा सा पैच है उस पर चलना होता है, और हिलेरी स्टेप के बाद ही थोड़े बाद हमारा समिट पॉइंट आता है। कई क्लाइंबर्स जो अपना सपना पूरा नहीं कर पाते, कई लोगों की डेथ भी होती है, तो वहाँ पर वो कैसे दर्श होता है? ये भी एक मतलब ये कहना चाहिए कि हर माउंटेन या टॉप पर नहीं पहुंचता और वापस नहीं आता। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने सबमिट भी किया और मैं सेफली वापस आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे माउंटेनियर हैं जिनकी डेड बॉडी आज भी वहाँ पर है, वो वापस नहीं आ पाए, और मुझे उनके लिए बहुत अफसोस होता है। क्योंकि क्या होता है कि माउंटेन जो है उसके लिए हमको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी होती है, जैसे कि हर एक हाइट का एक क्लाइमेट होता है, उसमें ढलने के लिए हमको बहुत ज़्यादा बॉडी एक्लिमेटाइज करनी होती है। अगर कुछ परसेंट नहीं बॉडी एक्लिमेटाइज हो पाई, अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो भी डेथ के चांसेस है, और एक इशू ऑक्सीजन भी है कि अगर आपके पास इनसफिशियंट ऑक्सीजन है तो भी डेथ के, और फिर जो हमारे हजार्ड होते हैं, मतलब माउंटेन हजार्ड बोलते हैं, जो हमारे बस में नहीं होते हैं, कभी तूफान आ जाना, एवलांच आना, या क्रवास क्रॉस करते टाइम आपका फॉल हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग है, और ये नॉर्मल मतलब इसको हम गेम में तो मानते नहीं, ये एक डेथ का गेम है। तो जो अपने आप को इतना स्ट्रांग या मेंटली, और मैंने ये नोटिस किया कि माउंटेनिंग में फिजिकल से ज़्यादा मेंटल ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है, क्योंकि हर एक सिचुएशन में आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं और आपके पास कोई नहीं है, तो तब आपको आपकी मेहनत ही काम आती है और मेंटल आप स्ट्रांग रहते हैं तो काम आता है। प्रकृति हमारे साथ बात में रही है, उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि ये डेथ का गेम है, फिजिकली स्ट्रांग है वो ठीक है, लेकिन मेंटल स्ट्रांग भी होना पड़ेगा, पहाड़ आपको चढ़ना है। इसके साथ ही इन्होंने अपने फ्यूचर प्लान्स पर भी बात की कि इनका एक सपना है एक इंस्टीट्यूट खोले मध्य प्रदेश में, ताकि यहाँ के जो युवा हैं वो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना बेहतर करियर बना सकें। कैमरा पर्सन रेहान के साथ वैभव गुप्ता, नाजी टीवी, भोपाल। तो जब बात बुलंद हौसलों की हो तो मध्य प्रदेश के नौजवानों का नाम जरूर आगे आएगा। पहले पार्ट में जहाँ हमने देखा कि किस तरीके से बिना किसी स्वार्थ के ये जो पूरी टीम थी, जिसको हम सफाई करने वाली टीम भी कह सकते हैं, जो दूसरों का कचरा साफ कर रही है, खुद एंजॉय करने के लिए जाते हैं, अपने साथ एक प्लास्टिक बैग कैरी करके लेके जाते हैं ताकि उसमें कचरा भर के लाएं और उसे सही तरीके से डिस्पोज कर सकें। इसके साथ ही जो दूसरों के द्वारा कचरा फैलाया गया है उसको भी साफ करने का काम श्रीकांत की टीम करती है। तो ब्रेक के बाद हमने आपको दिखाया कि भावना डहेरिया जो कि पर्वतारोही हैं, किस तरीके से उन्होंने भविष्य के बारे में सोचा है और किस तरीके से कड़ी मेहनत करके आज ये मुकाम हासिल किया है कि मध्य प्रदेश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इससे भावना के साथ पूरे मध्य प्रदेश का नाम, देश का नाम रोशन हुआ है। तो नारी टीवी के इस खास कार्यक्रम फेस इन द क्राउड में फिलहाल के लिए इतना ही। मध्य प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों के लिए जो खबर होती हैं, जो ताज़ा खबरें होती हैं, उसके लिए आप देखते रहिए नारी टीवी, और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। हम लोग घूमने गए थे तो वहाँ पे बहुत कचरा वगैरह फैला हुआ था, तो वहाँ की सुंदरता महसूस करते तो उसको साफ भी रखना बहुत जरूरी है, और हम ये सोचते कि ये सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की है, हमें भी रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो कचरा सेफ आप अपने साथ वापस लेकर आए ताकि हम अपने एनवायरमेंट और अपने देश के प्रति कुछ अच्छा कर सकें। सर्टिफिकेट है जो मुझे आज लंदन से रिसीव हुआ है, ये मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैंने विश्व भर में हमारे भारतीय हिमालय जो रेंजेस है उसको प्रमोट किया है।